नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। भारत सीखेगा इंग्लिश की आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको अल्फाबेट जे के बारे में बताएंगे। अल्फाबेट जे, उससे कौन से शुरू होते हैं अलग अलग वर्ड्स और कैसे आप उन वर्ड से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस। जे फॉर जग, जे यू जी जग, J for jug, J U G jug. The jug was very heavy, jug बहुत भारी था. The jug was very heavy, jug बहुत भारी था. I purchased one jug yesterday, मैंने कल ही एक जग खरीदा था. Oh, what a beautiful jug! अरे वाह, कितना सुंदर जग है. Don't keep jug here. जग को यहाँ पर मत रखो। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए और सोचिए मत कि सही है या गलत है, ट्राई करिए। जे फॉर जुपिटर, यह हम जुपिटर जो प्लैनेट है जिसे हम बृहस्पति बोलते हैं, उस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, उस ग्रह की बात कर रहे हैं। जे फॉर जुपिटर, जे यू पी आई टी ई आर, जुपिटर। Jupiter is the largest planet in our solar system. It's the largest planet of our solar system. ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। Jupiter हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। J for jewelry. Jewelry means आभूषण। Jewelry, jewelry. आमतौर पर से ज्वेलरी कहा जाता है, बट एक्चुअली ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी, ज्वेलरी। My friend has a jewelry shop. मेरे दोस्त की ज्वेलरी की दुकान है। ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर फीमेल्स को बहुत पसंद होती है, लेकिन आजकल बदलते समय में पुरुष भी इसका, मेल्स भी इसका बहुत शौक रखते हैं। बींग ए फीमेल, मुझे भी ज्वेलरी का बहुत शौक है, अलग अलग तरह के इयर रिंग्स या चेन पेंडेंट या फिर रिंग्स। बट हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सोने की ज्वेलरी या हीरे की ज्वेलरी पहनकर हम घर के बाहर निकलते हैं तो बहुत बार चांसेस होते हैं हमारे साथ किसी भी तरह का क्राइम होने का। पुलिस खुद एडवाइजरी ये जारी कर चुकी है कि आप सोने की चेन पहनकर रोड पे मत आएं, कम से कम एडवाइजरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज और बड़े बड़े शहरों में तो जारी कर ही चुकी है। खैर, दुनिया का कोई भी हिस्सा, कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर खुले में सोने का घूमना बहुत ज्यादा एडवाइजेबल पुलिस करती है, एडवाइस पुलिस करती है। तो आप सबसे मेरी हमेशा ये आपको सबको ये मेरी राय रहेगी, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप ज्वेलरी पहने थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहें। जे फॉर जोकर, जे ओ के ई आर, जोकर। द जोकर मेक्स एवरीवन लाफ, जोकर हर किसी को हंसाता है। जोकर इतना फेमस है बच्चों में कि जोकर के नाम से ही बच्चे सर्कस जाने को रेडी हो जाते हैं। और हमारी तो बहुत ही हिंदी, बहुत ही फेमस, बहुचर्चित पिक्चर रही है जोकर, मेरा नाम जोकर, जिसमें राज कपूर जी हीरो थे। और आज भी इस पिक्चर को आप देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। तो जे फॉर जोकर, जे फॉर जार, जार यानी कि मर्तबान, जे ए आर जार, मर्तबान, जार। इट्स अ बिग जार, ये एक बहुत बड़ा जार है। देखिए, शुरुआत में सेंटेंसेस छोटे बनाएं। इट्स अ बिग जार, आई वांट दिस जार, गिव मी दैट जार, पास ऑन दिस जार टू मी, और दिस जार इज वेरी एक्सपेंसिव, आई परचेज दिस जार यस्टरडे, दिस जार इज वेरी डर्टी, प्लीज वॉश दिस जार फॉर मी, आई डोंट वांट दिस जार, माय मदर गिफ्टेड दिस जार टू मी, I want to give this jar to someone. इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, बड़े सेंटेंसेस पे जल्दी जंप अप मत करिए। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लीजिए और धीरे धीरे देखिएगा आप कदम भी लेने लग जाएंगे और छलांग भी लगाने लग जाएंगे। तो आज जिन अल्फाबेट को हमने, जिस अल्फाबेट को हमने जाना है, समझा है, वो है जे, जे फॉर जग, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर ज्वेलरी, जे फॉर जोकर, जे फॉर जार।